बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से बड़ी है। युवती ने घर के दूसरे माले से कूदकर खुदकुशी कर ली। युवती की बुआ ने चोरी का आरोप उस पर लगाया था। युवती से खमाड़ी थाने लाकर पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद घर छोड़ने पुलिस पहुंची थी। घर पहुंचकर युवती ने दूसरे माले से कूदकर अपनी जान दे दी। तहसीन जैदी जुड़ गए। तहसीन, क्या है पूरा मामला? देखिए, बड़ी घटना सामने आई है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि रायपुर के खमाड़ी बस्ती में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसकी भतीजी भी जो कि डीडी नगर इलाके में एक हॉस्टल में, चंद्राकर हॉस्टल में रहती थी, तो लॉकडाउन के दौरान ये अपनी बुआ के पास आ गई थी। और उसी दौरान जो है, जिस तरीके से इस बात को बुआ बोल रही थी कि उसके 1.5 किलो चांदी, सोने के जेवर और नकदी 30,000 ये गायब हुए थे। तो उस बुआ ने ये जो उसकी अपनी भतीजी जो थी राधा निषाद, इस पे शक जताया था और उसको लेके पुलिस ने कल रात में जो है उसको बुलवाया था। बुलवाने के बाद रात भर उससे पूछताछ की है और उसको जब एक महिला आरक्षक और एक पुरुष आरक्षक पुलिस खमाड़ी थाना पुलिस पेट्रोलिंग से छोड़ने उसको घर गए, तो वहां पे वो उस युवती ने उनको हाथ छुड़ाया है और छुड़ाने के बाद अपने हॉस्टल की जो उसका घर है वहां दूसरे माले पे चढ़ी। और जब तक पुलिस वाले को समझ पाते, वो युवती जो है, जो राधा निषाद जिसका नाम आया है, वो छत से कूद गई और उसको जब तक वो अस्पताल ले जाते जब तक उसकी मौके पे मौत हो गई। लेकिन एक बड़ी घटना सामने आई है कि एक जो युवती ने पुलिस पूछताछ के बाद जो है छत से कूद के अपनी जान दे दी है। और ये अभी उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अम्बेडकर अस्पताल लाया गया है। बुआ ने इसमें आरोप लगाया था कि वो जो उसके घर में लॉकडाउन के दौरान जब ये वहां थी तो कुछ उसने शक जताया था कि मेरे घर का सामान चोरी हुआ है, शायद इसने इसके द्वारा भी चुराया जा सकता है। तो उससे पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई थी और जब उस बात छोड़ने गई है पुलिस, तो उसने हाथ छोड़ा के एकदम छत पे चढ़ी और वो कूद के उसने खुदकुशी कर ली है। जी, नजर बना रखिएगा। शुक्रिया आपका तहसीन जानकारी।